हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटोलॉजी यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले, वरना आप मिस कर रहे हैं न्यू और एक्साइटिंग कार के वीडियोस। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल motor_logy पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ऑल न्यू टाटा हैरियर BS6 2020, जिसके लिए काफी कमेंट आए थे। मैं थक गया था कमेंट सुन के कि कब गाड़ी का इस वीडियो लाओगे। तो अब हम आपके लिए इसका वीडियो लाए हैं, पूरा डिटेल रिव्यू हम आपको देंगे और एकदम एग्जैक्ट क्लियर देंगे कि आपको क्या अभी भी ये कार कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल सेशन। टाटा हैरियर को बनाया गया है ऑन द ओमेगा आर प्लेटफॉर्म, जो कि डिराइव्ड है फ्रॉम लेजेंडरी लैंड रोवर्स D8 आर्किटेक्चर, जिसके ऊपर 10 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां सोल्ड आउट हो चुकी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और आपको है एक 20 लाख की गाड़ी में 60 लाख की गाड़ी का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। टाटा हैरियर को डिजाइन किया गया है ऑन इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज, जो कि इसको काफी एग्रेसिव बना देता है इन द स्टाइलिंग। इसके बोनेट पे जो स्टार्क्स और फीचर्स आते हैं ये शो करते हैं कि टाटा हैरियर इंपैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पे बनाई गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फ्रंट ऑफ द कार। तो फ्रंट से आप देख सकते हैं टाटा हैरियर काफी एग्रेसिव लगती है, मस्कुलर और बोल्ड लगती है इन इट्स स्टाइलिंग, और आपको ये कार पहली नजर में ही काफी पसंद आ जाएगी, इट्स अ गारंटी। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका फ्रंट ग्रिल, जो कि बेस्ड है ऑन इंपैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज। ये आपको पियानो ब्लैक में मिलता है विद सेंट्रली लोकेटेड टाटा सिग्नेचर ऑन इट। उसके बाद आपको डे टाइम रनिंग LEDs मिल जाते हैं ऑन द टॉप, ये आपको ड्यूअल फंक्शनिंग आते हैं, ये आपको टर्न इंडिकेटर में भी चेंज हो जाते हैं। उसके बाद आपको मिलता है जेनॉन HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि प्रोजेक्टर इसका वाइट है और हेलोजन इसका येल्लो लाइट है, और आपको नीचे फॉग लैम्प भी आता है विथ कॉर्नरिंग फंक्शन। इसका रिफ्लेक्शन और फ्लो काफ़ी अच्छा है, नाइट में आप चलेंगे कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे आपको डुअल टोन बम्पर्स मिल जाते हैं, जो कि इसमें पहले एक फर्स्ट किट प्लेट आता था उसको अब हटा दिया गया। इसका साइड व्यू आप देख सकते हैं, जो कि काफी वेल प्रोपोर्शन लगता है, और इसका SUV स्टांस काफी मेंटेन्ड है, जिसकी वजह से प्रॉपर SUV लगती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको R17 न्यू डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि काफी स्टैंडर्ड करते हैं इन इट्स स्टाइलिंग। उसके बाद आपको 205mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है विद द बॉडी क्लैडिंग ऑन साइड बॉडी, और ये काफी अच्छा लगता है देखने पर, डुअल टोन फंक्शन आपको मिलता है। उसके बाद आपको ORVMs मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर, जो कि रीडिजाइन किया गया है। उसके बाद आपको हैरियर की बैजिंग मिल जाती है इन द क्रोम, आपको पैसिव एंट्री या कीलेस एंट्री का भी फंक्शन दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्रोम लाइनिंग मिल जाती है ऑन द टॉप ऑफ द डोर्स, जो कि काफी प्रीमियम बना देती है हैरियर को फ्रॉम द साइड लुक। अब हम बात करते हैं टाटा हैरियर के रियर के बारे में। तो रियर में आप इसका डिजाइन देख सकते हैं, जो कि काफी यूनिक है इन इट्स स्टाइलिंग। आपको एक ब्लैक एलिमेंट मिलता है, जो कि कनेक्ट करता है आपके दोनों टेल लैंप्स को। आपको एक सेंट्रली लोकेटेड टाटा सिग्नेचर मिल जाता है इन द क्रोम। आपको हैरियर की बैजिंग मिल जाती है इन द बोल्ट। उसके बाद आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छे लगते हैं जब आप इसको नाइट में देखेंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा फॉर्च्यूनर से भी मिलते हैं। उसके बाद आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। उसके बाद आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाता है ऑन द बम्पर। उसके बाद आपको एक इंटीग्रेटेड स्पॉयलर मिल जाता है विद द स्टॉप लैंप्स एंड रियर वॉशर। आपको रियर डिफॉगर मिलता है, रियर वाइपर भी मिल जाता है। आपको डुअल टोन बम्पर्स मिल जाते हैं विद सेंसर्स रिफ्लेक्टर्स, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अब हम चलते हैं हैरियर के इंटीरियर में और बात करते हैं इसके इंटीरियर में क्या फीचर्स और क्या कम्फर्ट ऑफर की गई है। अब हम बात करते हैं टाटा हैरियर के इंटीरियर्स के बारे में। तो इंटीरियर में सबसे पहले आप इसका ये स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, जो कि लेदर रैप्ड आता है और इसका क्वालिटी काफी अप मार्केट लगता है, जिसकी वजह से ये काफी प्रीमियम फील देता है। उसके बाद ये स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों आ जाता है, आप रीच के लिए भी यूज कर सकते हैं और टिल्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपके ड्राइविंग को काफी कन्वीनियंट बना देता है। साथ ही आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको वॉइस कमांड्स और आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम से जुड़े बटन्स मिलते हैं, और आपको लेफ्ट साइड राइट साइड पे आपको बटन्स मिलते हैं फॉर योर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, और क्रूज कंट्रोल का भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है।
उसके बाद आप मेरा सीटिंग पोजीशन देख सकते हैं, मैं काफी यहाँ पे कंफर्टेबली बैठा हूँ। इसकी सीट्स की क्वालिटी और इसका लेदर काफी अप मार्केट है, मेरी सीटिंग इजी और काफी कंफर्टेबल हो जाती है। आपको साइड सपोर्ट काफी अच्छा मिला है, थाई सपोर्ट काफी अच्छा है, आपको अगर दिक्कत है तो आप अपना हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये सीट्स आपको 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल चुकी है ड्राइवर सीट, जो कि काफी कन्वीनियंस बना देती है आपके डेली ड्राइविंग को। और यहाँ पे आपको 2 वे आपको मिलता है आपका लंबर सपोर्ट्स का, 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आपको लेदर रैप गियर नॉब मिलता है, जो कि पहले भी इसमें मिलता था 6+1 रिवर्स, और अब इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल चुका है 6-स्पीड ऑटोमेटिक, जो कि काफी अच्छा है। और ये जब आप क्रूज कंट्रोल यूज करेंगे ऑटोमेटिक में, काफी मक्खन गाड़ी चलेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शंस दिए हुए हैं, जो कि आपको काफी मदद करेगी इन द हॉट समर डेज। उसके बाद आपको इको सिटी मोड भी दिया हुआ है यहाँ पे, ड्राइव मोड जो कि वॉइस कमांड के साथ है, आप जैसे एक्टिवेट करेंगे तो वो आपको बोलेगा कि स्पोर्ट मोड एक्टिवेट हो गया। उसके बाद इसमें आपको ESP मोड्स भी आते हैं, रफ रोड वेट ये सब इसमें आपको मिलता है। और इसमें ESP के 14 मोड्स आते हैं, मतलब ESP के 14 फीचर्स आते हैं, जो कि बेस्ट इन द सेगमेंट है। 14 फीचर्स इस सेगमेंट में आपको कोई नहीं देता है, और ना ही इसके ऊपर के भी सेगमेंट में आप एक ऊपर भी जाएंगे तो आपको मिलेगा। 14 मोड्स एंड ESP कोई नहीं देता इस सेगमेंट में, जो कि इसको काफी सेफ बना देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 8.8 इंचेस का हरमन का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है, जिसकी क्वालिटी रिस्पॉन्स काफी बेहतरीन है, पहले से काफी अच्छी हो गई है। इसमें अब आपको थीम चेंजिंग भी आता है, आप थीम भी अपना चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रीन रेड ये सब आप जिंग कलर का नाम है, जैसे टाटा मोटर्स ने जिंग वगैरह रखा है। उसके बाद आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, उसके बाद आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब यहाँ पे फीचर्स आपको दिए हुए हैं। साथ ही में आपको एक आर्म रेस्ट मिलता है, जिसके अंदर काफी स्पेस और ये कूल्ड आर्म रेस्ट है। और इसमें आपको इसके अंदर भी आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट और 12V चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ फ्रंट में भी आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, अपना मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं काफी इजीली। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑक्स और USB केबल का पोर्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है। साथ ही में आप यहाँ पे टचेस देख सकते हैं, काफी यहाँ पे अच्छा टचेस लेदर का दिया हुआ है, जो कि काफी प्रीमियम बना देता है इस कार को। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये इसका हैंड ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा हैंड ब्रेक है, ये एरो थ्रॉटल हैंड ब्रेक है, जो आप प्लेन में जैसे आता है एक्सीलेटर, वैसे इसका ये एरो थ्रॉटल हैंड ब्रेक है, जो कि काफी डायनेमिक लगता है देखने पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे विजिबिलिटी काफी अच्छी है, आपको काफी अच्छा विजिबिलिटी दिया हुआ है, आपका बोनट का एंड तक आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और इंटीरियर में जो मेन चीज आया है डिफरेंट, जिसके लिए काफी दिनों से डिमांड था, जब से लॉन्च होने वाली थी 2019 में, तब से कि हैरियर में सनरूफ क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें अब पैनोरामिक सनरूफ दे दिया गया है, जो कि आपको पीछे तक आता है, जो कि काफी सबसे बिगेस्ट सनरूफ है इन द सेगमेंट। इसमें आपको रेन सेंसिंग का फीचर है, अगर रेन होगी तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जो कि आपको किसी कार में ये नहीं आता। एंटी फिंच फंक्शन भी दिया हुआ है, और साथ में लोगों की कंप्लेन रहती है कि क्या सनरूफ की वजह से गाड़ी अंदर गर्म हो जाएगी, तो ये होता तो है, फैक्ट तो ये है कि ये गर्म हो जाता है गाड़ी। पर इसमें आपको क्या होगा कि जैसे टाटा मोटर्स ने क्या किया, जो इसका फ्लैप आता है जो कि क्लोज होता है, उसके ऊपर एक ब्लैक क्लॉथ दिया हुआ है, जो कि 3 लेयर्ड है, जिसकी वजह से आपकी कार गर्म नहीं होगी। ये इसमें काफी अच्छा दिया हुआ है, जिसकी वजह से कार गर्म नहीं होगी, और जैसे दूसरे इस सेगमेंट में आप गाड़ी देखेगा तो वो गर्म हो जाती है। उसके बाद इसमें आपको दिया हुआ है 7 इंचेस का इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर, जो कि डिजिटल है फुल्ली, और आपको मतलब थोड़ा सा एनालॉग दिया हुआ है, जो कि आपका स्पीडोमीटर है वो आपको एनालॉग में मिलता है, और RPM मीटर आपको डिजिटल साइड मिलता है। इसमें काफी सारे इंफॉर्मेशन है, जो कि ये टाटा हैरियर का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, जो कि 7 इंचेस का, इसमें आपको TFT स्क्रीन दिया हुआ है जो कि डिजिटल है, और आपको दूसरे तरफ आपको स्पीडोमीटर दिया गया जो कि एनालॉग है। इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह दिखाएगा, रिफ्यूल वगैरह दिखाएगा, आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन, टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी दिखाएगा। इसमें आपको जो भी मोड आप करेंगे वो मोड भी आपको दिखाएगा, और इसमें आपको DEF इंडिकेटर आता है, जो कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, उसका भी इंडिकेटर दिया हुआ है। यह पहली कार है जिसमें यह दिया हुआ है। उसके बाद आपको इसमें आप जो भी क्रूज कंट्रोल अपना जब भी ऑन करेंगे तो वो भी इसमें शो करेगा, और ये काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप काफी आसानी से इसे रीड आउट कर सकते हैं, और इसे यूज भी करना काफी इजी है। इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प जब आप करेंगे वो भी दिखाएगा। उसके बाद आपको सेंटर कंसोल में यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, या एक आप 1 लीटर का बोतल रख सकते हैं काफी इजीली। उसके बाद आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है ऑन द डैशबोर्ड, जो कि काफी प्रीमियम बना देता है इसके इंटीरियर्स को,
और यहाँ पे इसकी क्वालिटी भी काफी अप मार्केट लगती है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका ब्लैक पियानो ब्लैक में फिनिश है वो काफी अच्छा लगता है देखने पे। यहाँ पे आपको बटन्स वगैरह दिए हुए हैं फॉर योर इंफोटेनमेंट सिस्टम, फॉर योर लाइट्स, यहाँ पे एसी वेंट्स आपके दिए हुए हैं। उसके बाद आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू बटन। और ये 8.8 इंचेस का आपका हरमन का टच स्क्रीन सिस्टम है जो कि बेस्ट इन द सेगमेंट है, मतलब साइज में नहीं पर इसका क्वालिटी काफी अच्छा लगता है देखने पे। टाटा एल्जर में आपको हरमन गार्डन का 8.8 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम दिया हुआ है जिसकी यूजेबिलिटी काफी अच्छी है। ये बिगेस्ट इन द सेगमेंट नहीं है पर इसका यूजेबिलिटी काफी अच्छा है। इसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी दिए हुए हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह आता है। इसमें आपका ड्राइविंग डायनेमिक्स का परफॉर्मेंस भी शो करता है। इसमें हम अलग अलग थीम, अलग अलग कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी रेड है, मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ तो ये ग्रीन अप्लाई हो गया। इसमें आपको काफी थीम्स भी दिए हुए हैं, ब्लू दिया हुआ, रेड दिया हुआ और अलग अलग कलर दिया हुआ है। अब मैं आपको इसका म्यूजिक का क्वालिटी सुनाता हूँ कि इसकी म्यूजिक की क्वालिटी कैसी दी गई है। इसमें आपको JBL के 9 स्पीकर्स आते हैं, 4 ट्विटर्स, 4 स्पीकर्स और एक सब ऊपर विद एम्पलीफायर। उसके बाद इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स कनेक्टिविटी भी इसमें दिया हुआ है, और जिसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड प्ले तो आता ही है, USB कनेक्शन आपको आता है, वॉइस कमांड्स आता है। उसके बाद अगर आप चाहे तो इसमें ऑडियो सेटअप्स भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप आगे बैठे तो उनको गाना सुनना है, पीछे को नहीं, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं विद द बैलेंस फेडर सिस्टम। इसमें आपको उसके बाद काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स आता है, इसकी यूजेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और स्पीकर्स तो आपने सुन ही लिया। उसके बाद अब मैं आपको इसका रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा दिखा, तो इसकी कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पहले से इम्प्रूव हो गई है और इसमें आपको कोई भी बग वगैरह नहीं आते। इसमें डायनेमिक असिस्ट भी दिया हुआ है और आपको इसमें सेंसर्स तो आते ही हैं, तो ये काफ़ी अच्छा कैमरा दिया हुआ। बस इसमें आप 360 कैमरा की कमी है, एक बार वो आ जाए ना तो बस काम हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ओक वुड फिनिश मिलता है जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने पर, पूरे इंटीरियर को काफी प्रीमियम कर देती है, जिसको से ये कार भी काफी प्रीमियम इंटीरियर से लगती है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ओक वुड फिनिश दिया हुआ है कलर में, ओक वुड कलर फिनिश, और यहाँ पे सिटाइल क्रोम दिया हुआ है जिसकी वजह से कार प्रीमियम लगती है देखने पे, काफी इसके इंटीरियर प्लस है। साथ में यहाँ पे आपको बटन दिए हुए हैं फॉर योर ORVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM भी है इसमें, आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स, फिर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इसमें आपको दिए हुए हैं, साथ ही में कॉर्नरिंग फॉग लैम्प का फंक्शन भी इसमें आपको आता है जो कि यूनिक है। उसके बाद आपको अब यहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब डे नाइट ऑटोमेटिक आपको IRVM दिया हुआ है जो कि ऑटो डिमिंग IRVM है, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि पहले इसमें नहीं आता था। और आपको यहाँ पे एक सिटाइल क्रोम में फिनिश मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने पे। और आपको फ्रंट में काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं, अब इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया हुआ है जो कि पहले भी इसमें आता था। साथ में आपको इसमें छोटे छोटे टचेस ऐसे दिए हुए हैं जो कि कार देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद ये आप इसका ग्लव बॉक्स देख सकते हैं जो कि काफ़ी मैसिव साइज का ग्लव बॉक्स है और इसमें आप कुछ भी अपना रख सकते हैं। और मैं बता दूं कि इसमें आपको JBL के 9 स्पीकर्स आते हैं, 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स और एक सब वूफर विद एम्पलीफायर जो कि काफ़ी अमेजिंग साउंड करता है मेरे हिसाब से। मैं आपको साउंड सुनाऊंगा कि ये सेगमेंट में मुझे सबसे अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा बेहतर इस सेगमेंट में किसी का स्पीकर नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके रियर सीट्स के बारे में, किसके रियर सीट्स में कितनी स्पेस दी गई है और क्या कम्फर्ट है। अब हम आ चुके हैं हैरियर के रियर सीट्स पे, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे कितना नीरूम मिल रहा है, सफिशियंट से भी ज़्यादा। यहाँ पे मैं एक अपना सूटकेस भी यहाँ पे रख सकता हूँ, इतना यहाँ पे जगह है। मुझे हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और जो सबसे अच्छी बात है इसकी कि इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है वो मेरे ऑलमोस्ट यहाँ तक आता है, जो कि काफ़ी अच्छा आप पूरा व्यू अपना ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट, सीट की कंफर्ट बेस्ट इन द सेगमेंट जैसे मैंने बताया था, सस्पेंशन काफ़ी अच्छा, खराब रास्तों से जाओगे आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक आपका आर्म रेस्ट दिया हुआ विद 2 कप होल्डर जो कि काफ़ी कंफर्टेबल राइड बना देता है आपके लिए, आपको एक एडजस्टेबल हेड रेस्ट यहाँ पे एक वहाँ पे। उसका सीट का रिक्लाइन भी काफ़ी बेस्ट है, जो सीट का कुशनिंग है ना वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मक्खन है, मतलब मैं क्या कहूँ कि इतना अच्छा सीट का कम्फर्ट दिया हुआ। साथ में आपको JBL के स्पीकर्स दिए हुए हैं, आपको दोनों साइड में AC के वेंट्स दिए हुए हैं, साथ ही आपको
सेंटर कंसोल में यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह भी रख सकते हैं। आपको मोबाइल होल्डर विद यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है जो कि काफी अच्छा है। मैं आपको इसका बिल्ड क्वालिटी शो करने का कोशिश करता हूँ। जैसे आप हायर स्पीड्स पे जाएंगे तो इस कार की स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, मैं आपको बता दूं। और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसका डोर का जो थर्ड साउंड आता है वो कितना अच्छा आता है। ये आप देख सकते हैं कि कितना काफी सॉलिड फील होता है जब आप इसके कार को डोर को चाहे आराम से या हार्डली बंद करते हैं, काफी सॉलिड फील आता है कार में। ये आप काफी सेफ कार में बैठे हैं और ये सेफ है भी, 100% सेफ है, क्योंकि टाटा की कार है, सभी जानते हैं कि कितनी सेफ होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटेल क्रोम में आपके डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल भी काफी अच्छा टच मिलता है। यहाँ पे आपको काफी अच्छा मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही आपका यहाँ पे व्यू भी काफी अच्छा है और केबिन काफी एयरी फील होती है। साथ ही आपको एक डोर पैड में आपको यहाँ पे आईपैड वगैरह रखने के लिए स्पेस दिया गया दोनों ही साइड, जो काफी अच्छा है। फिर आपको यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दिया हुआ, साथ ही आपको यहाँ पे रीडिंग लाइट मिलता है जो कि काफी अच्छा बना देता है आपके कार को, और आप अंधेरे में भी जाएंगे तो आपको रीडिंग आराम से हो पाएगी। दोनों ही जगह कितना अच्छा से देख सकते हैं मैं बैठा हूँ, जबकि आगे की सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। सीट की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, काफी प्रीमियम फिनिश देती है सीट। तो अब हम चलते हैं इसके बूट में और देखते हैं कि इसके बूट में कितनी स्पेस है। अब हम बात करें टाटा एलिया के बूट के बारे में, तो इसको आप या तो अपने की से ओपन कर सकते हैं या यहाँ से टाटा लोगो के नीचे से ओपन कर सकते हैं। ये आपको 425 लीटर्स का बूट स्पेस दिया हुआ है। यहाँ आपको JBL का एक सब बूफर दिया हुआ है विद एम्पलीफायर। यहाँ हुक में आप कोई भी 2 kg तक का कुछ भी सामान अपना हैंग कर सकते हैं। ये भले ही आपको बूट ऑन द नंबर छोटा लगे पर ये है नहीं, ये काफ़ी बड़ा है। इसमें आप 6 लोगों का सामान आराम से ले जा सकते हैं। आपको सीक्रेट अंडरनीथ स्टोरेज दी हुई है, यहाँ पे आपको अपना इंस्ट्रूमेंट वगैरह जैक वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे आपको DEF फ्लूइड भरने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि एक BS6 के कारण यहाँ पे ये DEF आता है, ये और आपके कार को रिफाइंड बना देता है और आपके जो कि NVH लेवल है उसको कम करता है। और आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे भी मिल जाता है और इसमें आप 6 लोगों का सामान आराम से ले जा सकते हैं और बूट काफ़ी हैवी है इन द वेट। अब हम बात करते हैं टाटा एलियर के ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में। तो टाटा एलियर में आपको मिलता है 2 लीटर का डीजल क्रायोटेक इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 170 bhp ऑफ पावर एंड 350 nm ऑफ टॉर्क, जो कि एक फिएट सोर्स इंजन है और ये लगभग इस सेगमेंट में जितने भी कार आते हैं उसमें यही पावर आपको और टॉर्क मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो ये सबसे बेस्ट है इन द सेगमेंट, क्योंकि इसको जगुआर लैंड रोवर के तरफ से ट्यून्ड किया गया है जो कि बेटर परफॉर्मेंस देता है देन द अदर कार्स इन दिस सेगमेंट। टाटा हैरियर में आपको रोड प्रेजेंस सबसे बेस्ट मिलता है इन द सेगमेंट, क्योंकि इसका जो SUV स्टांस है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है और इसका जो साइज और प्रोपोर्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा रोड ग्रिप मिल जाता है। साथ ही में इसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी अच्छा है, आपको 5.75 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है इन दिस सेगमेंट। और आपको जब भी आप कार ड्राइव करेंगे तो आपको एक फील आएगा कि आप एक सॉलिड कार ड्राइव कर रहे हैं और इसमें आप हमेशा सेफ रहेंगे, क्योंकि आपको रोड ग्रिप और रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। टाटा एलियर की जो राइड क्वालिटी है वो भी सबसे बेस्ट इन द सेगमेंट, क्योंकि इसमें आपको जो कम्फर्ट मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। कार आराम से आपको कोई भी गड्ढे एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे आपको रियर सीट पे बैठे या फ्रंट सीट पे बैठे आपको कोई तकलीफ नहीं होती, और फ्रंट और रियर सीट का कंफर्ट तो काफ़ी अच्छा है ही, तो इसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। टाटा हैरियर प्योरली एक ड्राइवर्स कार है। अगर आप ड्राइविंग के काफ़ी शौकीन हैं, आपको ड्राइविंग काफ़ी पसंद है और आप एक इंथुजियास्ट हैं, तो आपको टाटा हैरियर काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जा रहा है। आपको सीटिंग पोजीशन भी काफ़ी अच्छी मिलती है, आप काफ़ी हाई बैठते हैं तो आपको फ्रंट बोनट काफ़ी अच्छा से दिखता है, तो आपका ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। न्यू ड्राइवर्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जहाँ तक मैं बात कर लूँ सेफ्टी की, तो सेफ्टी में आपको ESP के 14 मोड्स दिए हुए हैं जो कि इस सेगमेंट में किसी और कार में नहीं आता है। आपको हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, आपके फिर ESP के मोड्स आते हैं जैसे रफ रोड, वेट और नॉर्मल मोड, और आपको इसमें जैसे इंजन ट्यून करने के लिए भी मोड्स आते हैं जैसे स्पोर्ट मोड। आप अगर हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, आपको कार भगानी है तो आप स्पोर्ट मोड पे कर दीजिए और आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा उस समय। और आप क्रूज़ कंट्रोल अगर यूज़ करना चाहते हैं तो हाईवे पे आप क्रूज़ कंट्रोल करके अगर आप इको मोड में कार चलाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा माइलेज भी मिल जाएगा। और अब तो टाटा हैरियर में ऑटोमेटिक भी अवेलेबल करा दिया गया है, तो आप ऑटोमेटिक में भी आप काफ़ी आसानी से सिटी में ड्राइव कर सकते हैं। टाटा हैरियर में आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ड्राइविंग डायनेमिक्स टाटा हैरियर की बेस्ट इन द सेगमेंट है। काफ़ी आप आसानी से इसे चला सकते हैं। आप अगर जैसे
कोई पतली रास्ते में भी रहते हैं, कोई पतली गली में भी आप ट्राई करना चाहते हैं, टाटा हैरियर काफ़ी आसानी से चलेगी। और इसका जो स्टेरिंग फीडबैक है वो भी काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया इसका स्टेरिंग फीडबैक। और ये पहले काफ़ी हैवी था इसका स्टेरिंग, जिसको पहले से लाइट कर दिया गया, तो आपको ड्राइविंग में और ईजी होगी। और आप जैसे ड्राइव जब करेंगे तो आपके बटन्स भी दिए हुए हैं, ऑन द स्टेरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आपको मिले हैं, तो आपको उसमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। को टाटा हैरियर में ब्रेक डिस्क वाइपिंग में मिल जाता है, जब आप मॉनसून में कार ड्राइव करेंगे तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जब आप टाटा हैरियर चलाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप काफ़ी ह्यूज व्हीकल चला रहे हैं, बड़ी व्हीकल, क्योंकि ये काफ़ी आसानी से आप कहीं भी इसे चला सकते हैं। और टाटा हैरियर में काफ़ी अच्छी ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी आपको मोड्स भी मिल जाते हैं, तो आप ऑफ रोड भी इससे कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे गियर बॉक्स की बात कर लो तो काफ़ी स्मूथ गियर से इसके आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ती, आपको कम आरपीएम पे भी काफ़ी अच्छा टॉर्क मिल जाता है, तो आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे इन द डे टू डे लाइफ आपको जो ट्रैफिक मिलता है। अब हम बताते हैं कि आपको हैरियर कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उससे पहले मैं इसकी प्राइसिंग बता दूं। तो ये आपको हैरियर की बेस मॉडल चालू होती है 13.84 लाख से एक्स शोरूम और जाती है 19.95 लाख तक एक्स शोरूम तक। तो ये प्राइस इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और मुझे काफ़ी पसंद आई प्राइसिंग, काफ़ी एग्रेसिवली की गई है, क्योंकि पहले जब इसमें फीचर्स उतने नहीं थे, जैसे पैनोरामिक सनरूफ अब आ गया इसमें, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स आ गए हैं, आपको ऑटो डिमिंग आईआरवीएम आ चुका है, ये सब आने के बाद ये प्राइसिंग ये जस्टिफाई करती है। और इस प्राइसिंग पे होने के बावजूद आपको इसमें क्या एक्स्ट्रा मिलता है, ईएसपी मोड्स आपको मिल जाते हैं, सेफ्टी के काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट मोड, इको मोड, आपको सिटी ड्राइविंग मोड, आपको हिल होल्ड हिल डिसेंट, और आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ब्रेक डिस्क वाइपिंग वगैरह, जो और सेगमेंट में आपको नहीं आते हैं। उसके बाद आपको कार काफ़ी प्रीमियम फील भी देती है। और इसमें अब आपको इंजन आ गया है क्रायोटेक का 2 लीटर का, जो कि पहले आता था, पर अब इसमें आपको 170 Nm का पावर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस सेगमेंट के लिए, और ये काफ़ी सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस सेगमेंट में। तो आपको हैरियर क्यों नहीं कंसीडर करनी चाहिए, इतनी अच्छी कंफर्ट ऑफर कर रही है, इतने सारे फीचर्स ऑफर कर रही है, भले ही कॉम्पिटिशन से थोड़े फीचर्स इसमें मिसिंग है, पर इसमें सिर्फ आप 2 चीज़ की कमी है, जैसे आपको वेंटिलेटेड सीट्स और कनेक्टेड कार, जो कि जल्द ही इसमें आने वाला है। कनेक्टेड कार तो जल्द ही आने वाला है जितना हमें पता है, और इसके बाद ये कारी 100% फिल्ड, और अभी भी इसमें ज़रूरत से भी ज़्यादा फीचर्स आपको दिए हुए हैं, और चलाने में कारी काफ़ी अच्छी है। आप हाईवे पे जाइएगा, कहीं भी हमेशा सिटी में चलेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये कार आपको एक्सयूवी 500 से भी लंबी है, जबकि एक्सयूवी 500 7 सीटर और ये 5 सीटर है, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें आपको कितना अच्छा स्पेस और कम्फर्ट ऑफर किया गया है। और आपको गाड़ी में वाइब्रेशंस भी नहीं है, थोड़ा सा स्टेयरिंग आपका पहले हार्ड था, जिसको काफ़ी इम्प्रूव करके अब लाइट कर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा हो चुका है अब, और गाड़ी चलाने में सबसे अच्छी है, बेस्ट इसका हैंडलिंग राइड क्वालिटी सबसे बेस्ट है, और आपको क्यों नहीं कंसीडर करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको आज के डेट में 22 लाख तक में आपको कोई 5 सीटर कार चाहिए, तो ये बेस्ट 5 सीटर कार है 22 लाख में, आपको बेस्ट कम्फर्ट ये देती है, 22 लाख के अंदर सबसे ज़्यादा जो कम्फर्ट देती है ये यही कार है। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कार से रिलेटेड हमसे कमेंट में आप छोड़ दीजिए, या आप इंस्टाग्राम पे हमारे जाके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।